हेलो बच्चों, अब हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी, सिद्धांत और प्रक्रम। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट और नया चैप्टर है ये, एडवांस चैप्टर है ये। अब बायोलॉजी का जो इस्तेमाल है वो टेक्नोलॉजी में किया जा रहा है, ऐसे कर सकते हैं। अब आपको मालूम होना चाहिए कि तमाम तरह की बीमारियां हैं, थीं और होंगी, जिनका इलाज अब कुछ टेक्नोलॉजी के उपयोग से किया जाता है, क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए जो नेचुरल तरीके हैं वो स्लो होते हैं और जिनका सार्थक परिणाम भी नहीं मिल पाता है। इसके लिए जो है इस विद्या या विधा का मतलब जो है खोज की गई इसकी, तो उसका कुछ परिचय दे रहा हूं पहले आपको मैं। मेंडल के प्रयोगों और उनके परिणाम, मेंडल के नियमों की पुनर्खोज, कोशिका विज्ञान के क्षेत्र में हुई प्रगति, डीएनए का वाटसन और क्रिक का डबल हेलिकल मॉडल, इस क्षेत्र में आपको मालूम होना चाहिए, कह सकते हैं कि मील का पत्थर। ठीक है, मतलब एक अच्छी खोज साबित हुए। ठीक है, और इस टेक्नोलॉजी को यानी कि जैव बायोटेक्नोलॉजी के लिए जो रास्ता बनाने का काम जो है वो इसने किया, जो आपके बात बताइए। कुछ उपलब्धियां हैं, जैसे कि कह सकते हैं आप रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, इसको आप ध्यान रखें, कहते हैं बायोलॉजिकल सीजर या जैविक कैंची। क्या है? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है ये, की खोज ने आधुनिक बायोटेक्नोलॉजी के युग में युग का निर्माण किया, जिससे विभिन्न जीवों के जीनोटाइप में उलट फेर कर उन्हें मानव के लिए उपयोगी फीनोटाइप धारण करने वाले जीव बना सकते हैं। नई नई औषधियां यानी दवाइयां, जैसे बायोटेक्नोलॉजी द्वारा निर्मित इंसुलिन, ठीक है, नाम सुना हो आपने, इंसुलिन का हार्मोन होता है एक प्रकार का इंसुलिन। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन का उत्पादन इसी तकनीक से होता है, यह संभव हुआ है। बैक्टीरिया के जीनोटाइप ने आनुवंशिक परिवर्तन करके उन्हें पर्यावरण प्रदूषण समाप्त करने में सक्षम बनाया गया है। आपको मालूम होना चाहिए जीन थेरेपी का प्रारंभ इसी की वजह से हुआ है, जो आनुवंशिक रोगों को ठीक करने का एक क्या है, प्रयास है। मैन्योर, जैव उर्वरक, जैव नियंत्रक, सभी के निर्माण में जैव प्रौद्योगिकी की यानी बायोटेक्नोलॉजी की मदद ली जा रही है। आजकल बायोटेक्नोलॉजी का क्षेत्र अत्यंत विशाल है। बायोटेक्नोलॉजी का विकास मानव कल्याण के लिए ही हुआ है, लेकिन इसका दुरुपयोग भी कम संभव नहीं है। बायोलॉजिकल वेपन्स, जैविक हथियार, इसका एक ज्वलंत उदाहरण है। आप समझ रहे हैं आजकल की बात। अनेक नैतिक, सामाजिक, आर्थिक मुद्दे भी बायोटेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं। अब इसका देखिए अर्थ और परिभाषा क्या है।
प्रौद्योगिकी या टेक्निक में जीव या जैव प्रक्रियाओं का प्रयोग होता है। वास्तव में तकनीक में जीवों का प्रयोग हजारों वर्ष पुराना है, तो यानी कि कोई नई चीज नहीं है, ठीक है। किण्वन द्वारा शराब बनाना, दही बनाना जैव प्रौद्योगिकी का प्रारंभिक रूप है। हम उससे जानते भी नहीं है कि व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी, लेकिन तो कुदरत ने जो है इसको पहले से ही शुरू कर दिया था, ऐसा कर सकते हैं आप। इसको ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी का प्रोसेस माना जाता है। वह सेवाएं अथवा उत्पादन प्रक्रियाएं जो सूक्ष्म जीवों की प्राकृतिक क्षमताओं पर आधारित होती हैं, परंपरागत या पुरानी प्रौद्योगिकी मानी जाती है। संक्षेप में हम कह सकते हैं, ऐसी सभी प्रक्रियाएं जिनके द्वारा व्यावसायिक महत्व के पदार्थों का उत्पादन आनुवंशिक रूप से रूपांतरित जीवों द्वारा किया जाता है, बायोटेक्नोलॉजी कहलाती हैं। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं, आधुनिक समय में आनुवंशिक फेरबदल ही बायोटेक्नोलॉजी का पर्यायवाची है। इसे हम जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहते हैं। अब आगे देखेंगे इसको। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के अतिरिक्त कुछ और भी टेक्निक्स को आधुनिक बायोटेक्नोलॉजी का अंग माना गया है, जैसे डीएनए वैक्सीन का निर्माण, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि टेस्ट ट्यूब में निषेचन, किसी जीन का संश्लेषण और उसका उपयोग करना, दोष युक्त जीन का सुधार करना, डिफेक्टेड जीन से कहते हैं, ठीक है। आगे लिखा हुआ है, मतलब इसके लिए कुछ और बात बताई है। एक संस्था है, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये संस्था है। इसके अनुसार, इसे शॉर्ट में कहते हैं EFB, उत्पादों व सेवाओं के लिए प्राकृतिक विज्ञान व जीवधारियों, कोशिकाओं, उनके अंगकों और आणविक अनुरूपों का समाकलन जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। मतलब उत्पादों यानी प्रोडक्ट्स और सेवाओं के लिए नेचुरल साइंस व जीवधारियों यानी यानी कि ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो हम लोग हैं, ऐसे जीव जंतु, पेड़ पौधे, बैक्टीरिया वगैरह सब, उनकी सेल्स, उनके अंदर जो ऑर्गेनल्स होते हैं, और आणविक अनुरूप यानी कि कह सकते हैं आप मॉलिक्यूलर जो उसके फॉर्म होती हैं, इन सब का समाकलन यानी इकट्ठा होना क्या कहलाता है, बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी को हम और भी समझ सकते हैं, इसके अलावा क्या होता है, कुछ और परिभाषा भी इसकी है, जैसे समझ लो ध्यान से। सूक्ष्म जीवों, संवर्धित ऊतकों, कोशिकाओं व उनके भागों की क्षमताओं के बायो टेक्नोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स को प्राप्त करने के लिए जैव रसायन, सूक्ष्म जीव विज्ञान व अभियंत्रिकी यानी कि इंजीनियरिंग का समाकलित प्रयोग यानी इकट्ठा प्रयोग ही बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि जीवों, उनके तंत्रों अथवा प्रक्रियाओं का किसी प्रकार के उत्पादन अथवा जनहित उद्योगों में उपयोग बायोटेक्नोलॉजी कराता है। कृषि उत्पादकता गुणवत्ता बढ़ाने में बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी कराता है,
ये जैव प्रौद्योगिकी द्वारा नई हरित क्रांति का संकेत है, समझे? तो ये आपका हो गया कुछ थोड़ा बहुत प्रारंभिक ज्ञान। अब नेक्स्ट में बताएंगे जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक।